शुक्रवार को यवतमाल जिले के दिग्रस शहर में यवतमाल वाशिम लोकसभा के उभाटा के विजयी उम्मीदवार संजय देशमुख की विजय रैली निकाली गई, जिसमें हजारों की तादाद में शामिल होकर उनके समर्थकों और प्रशंसकों ने जीत का जश्न मनाया है। पेश है दिग्रस संवाददाता जुबेर खान की यह खास रिपोर्ट। यवतमाल वाशिम लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के उद्धव बालासाहेब ठाकरे शिवसेना गुट के उम्मीदवार संजय देशमुख ने लोकसभा चुनाव 2024 जीतकर एक अरसे से जारी अपने राजनीतिक बदमाश को तोड़ते हुए मजबूती के साथ राजनीति में अपनी कामयाब वापसी कर ली है। भारी मतों के अंतर से जीतकर सांसद के रूप में संजय देशमुख ने एकनाथ शिंदे गुट शिवसेना की लोकसभा प्रत्याशी राजश्री महल्ले पाटिल को पराजित किया। संजय देशमुख की इस बड़ी उपलब्धि का जश्न मनाने के उद्देश्य से शुक्रवार को दिग्रस शहर में उनकी विजयी रैली निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में शामिल होकर उनके समर्थकों ने संजय देशमुख के समर्थन में नारेबाजी करते हुए अपनी खुशी का इजहार किया। इस मौके पर संजय देशमुख के विजय रथ पर राष्ट्रीय कांग्रेस के राहुल शिंदे, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के ख्वाजा बेग सहित पवन जायसवाल आदि सवार थे। इस दौरान छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पर पहुंचते ही संजय देशमुख ने छत्रपति शिवाजी महाराज के स्मारक को माल्यार्पण कर मशाल को हाथ में उठाते हुए मतों के रूप में प्यार बरसाने वाली दिग्रस की जनता का आभार व्यक्त किया। शहर के प्रमुख चौक चौराहों से निकलकर संजय देशमुख का काफिला जश्न में डूबा नजर आया। पूर्व क्रीड़ा राज्य मंत्री रह चुके संजय देशमुख दिग्रस दारवा नेर विधानसभा क्षेत्र के एक बड़े सक्रिय नेता के रूप में जाने जाते हैं। बीते एक अरसे से वे राजनीतिक वनवास में थे, जो अब जाकर कहीं न सिर्फ खत्म हुआ है, बल्कि 94,000 से ज्यादा वोटों की लीड से जीतकर उन्होंने राजनीति में दमदार कमबैक करते हुए सबको चौंका दिया है। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव के दौरान वाशिम यवतमाल लोकसभा क्षेत्र की शिंदे गुट की प्रत्याशी राजश्री महल्ले पाटिल के प्रचार प्रसार में भाजपा और शिंदे गुट ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। 6 विधायकों सहित बड़ा कैडर प्रचार में जुटा हुआ था। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यवतमाल में आकर जनसभा को संबोधित किया था। बावजूद इसके सबको पटखनी देते हुए उबाटा के प्रत्याशी संजय देशमुख ने अपने लंबे राजनीतिक अनुभव और सभी समाज के वोटरों के साथ उनके मजबूत कनेक्शन का दमखम दिखाते हुए एक बड़ी जीत अपने नाम की है, जिसको लेकर उनके समर्थकों और प्रशंसकों में उत्साह की लहर दौड़ गई है। NBCN न्यूज के लिए दिग्रस से जुबैर खान की रिपोर्ट।